Good morning to all of you, dear students. Today we will discuss emergence of new states. So basically, uh, as I told you about the Mughal empire, empire decline, so with the in decline in the authority of the Mughal empires, empires as well, the governors of large provinces with and the great con consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Okay, so basically they have a power. Okay, so with the zamindars, they have power. So through the 18th century, the Mughal Empire gradually uh, fragmented into a number of independent. Of 18th century can be divided into three overlapping groups states that were old Mughal provinces like Awadh, okay, second Bengal and Hyderabad. Although uh, extremely powerful and quite independent, the ruler of these states did not break their formal ties with the Mughal emperor. स्टेट्स दैट हैड इंजॉयड कंस्टरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल एज वतन जागीर ओके एंड दिस इंक्लूड सेवरल राज प्रिंसिपलिटीज द लार्ज ग्रुप इंक्लूड स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठाज से कैन अदर लाइक्स द जाट देवर ऑफ डिफरेंट साइजेस सो बेसिकली देखो द मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू देयर मैनी स्टेट्स ठीक है विच इज़ अवध बंगल हैदराबाद ठीक है कहीं मराठा कहीं सिख तो ठीक ना तो इट वॉज डिवाइड बिकॉज द मुगल एम्पायर विक्लाइन एंड द मुगल एम्पायर हैज़ नॉट बीन कंट्रोल ओवर दिज स्टेट सो द मुगल ओल्ड मुगल प्रोविनेस की टॉक सो बेसिकली यहाँ पर थ्री तीन चीज़ें हैं एक तो अवध है सेकेंड बंगाल एंड थर्ड हैदराबाद सो ऑल दीज थ्री स्टेट्स वॉर फाउंडेड बाई मेम्बर्स ऑफ मुगल नोबिलिटी लाइक गवर्नर और लार्ड प्रोविनेंस लाइक शहादत खान ने अवध का एज अ टोल यू एंड द क्लास ऑल्सो कि शहादत खां जो है वो उसने अवध पे एडमिनिस्ट्रेशन किया ओके एंड मुर्जिदली खां ही वॉज इन बंगल एंड आसफ़ जहाँ ही वॉज़ इन हैदराबाद ठीक है लाइक वी विल टॉक अबाउट हैदराबाद टू बेसिकली मुल्क आसफ जहाँ He was the founder of Hyderabad State 1724 to 1778, and uh, Mughal Emperor Farrukhsiyar. Uh, he was uh, member of the court of Mughal Emperor Farrukhsiyar, and he was interested was with the governance of Awadh, and later given charge of the Deccan. Okay, now he was uh, in founder of the Hyderabad State, and he was taking over the you know the control over political and financial administration so basically he was a uh, free or uh, he was a free we can say governor free governor tha and because of uh, uh, the has not been control over these um, governors so asabja brought skilled soldier and administrators from northern india who were हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ आसपा के पास देखो अच्छे सोल्जर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव थे एंड अपॉइंटेड मनसअबदार एंड ग्रांटेड जाकिस बेसिकली बिकॉज ही वॉज ऑल्सो नो अबाउट द हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन सो हे अपॉइंटेड मनसबदार ग्रांटेड जाकीस एंड सर्वेंट ऑफ मुगल एम्पायर ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्राम डेली और फेसिंग एनी इंटरफेयरेंस ठीक है तो निजाम आसफजा वी कैन सी के मुगल एम्पायर मिर्ली कन्फर्म द डिसंस ऑलरेडी टेकन बाय द निजाम उल मुल आसफजा द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन अ स्ट्रगल इंगेज द मराठासू द वेस्ट एंड विद द इंडिपेंडेंट तेलुगू वॉरियर्स चीफ नायकास of the plateau, so basically he was uh, fought with them and he was uh, a amb ambitious okay his ambition is to control the rich textile produce, producing area of the coromandel coast so because it is a strategic point of view that uh, he was in uh, control over the coromandel coast and in uh, the east was checked by the ब्रिटिश बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दैट रीजन ठीक है अवध की अगर हम बात करें तो देर वॉज बुरहानल्क सादत खान ही अपॉइंटेड अवध एंड सुबेदारे फाउंड स्टेट विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ ब्रेक ऑफ द मुगल एम्पायर ठीक है तो अवज वॉज अ प्रोस्पेरियस रीजन ठीक है बुरहान मुल्क ऑल्सो हैल्ड अ हेल्थ द कम्बाइन ऑफिस ऑफ सुबेदारी दीवानी एंड फौजदारी बेसिकली तो यह फाइनेंशियली पोल्टिकली एंड मिलिट्री पावर्स ठीक है बाई रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ऑफिसर होल्डर्स ऑफिस होल्डर्स लाइक जागरदास अपॉइंटेड बाई द मुग़ल्स बेसिकली अवस अपॉइंटेड ही जागरदास और मनसबदार और उसने क्या किए उनको हटाए जो जागरदार और मनसबदार जो हैं मुग़ल ने अपॉइंट किए हुए थे ठीक है सो द स्टेट डिपेंडेड ऑन द लोकल बैंकर्स एंड महाजन फॉर लोन इट सोल्ड राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाइस्ट बॉर्डर बीडर्स दिज रेवेन्यू फार्मर्स इजारे इजारा दास एग्रीड टू बाई द स्टेट अ फिक्स सम ऑफ मनी सो बेसिकली इजारे दास वज यू नो कि कस्टम उसने चलाया था एंड इट इज टू कलेक्टेड द रेवेन्यू लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रेक्टेड एंड Amount to the state in turn, the revenue farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. These developments allowed new social groups like moneylenders and bankers to influence the management of the state revenue system, something which had not occurred in the past. So, basically, our um, um or Khan, and sorry. या मुल्क मुल की बात करते हैं तो ही वाज़ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद एंड अवध एज रिस्पेक्टविली ठीक है सो so, आगे भी वी विल टॉक अबाउट द बंगाल इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू